मुरादाबाद के श्री महाकालेश्वर धाम में सदगुरु श्री अमरनाथ दीक्षित द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बुधवार को सदगुरु श्री अमरनाथ दीक्षित जी के सांध्या में प्राचीन वंशानुगत गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्री गुरुधाम नवाबपुरा का आयोजन। इस वर्ष भी श्री कालेश्वर धाम नया मुरादाबाद में गुरु पूजन व गुरु आशीर्वचनों के साथ किया गया, जिसमें स्थानीय व विभिन्न स्थानों दिल्ली, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, काशीपुर, ग्राम मदारपुर के भक्तों ने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। सदगुरु श्री अमरनाथ दीक्षित ने बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पुराणों की रचना और आवश्यकता अनुसार वेदों का विभाजन करने वाले महर्षि वेदव्यास की जयंती होती है, जिसको हम गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाते हैं। ये दिन सभी आध्यात्मिक गुरुजनों के संविदा समर्पण करने का अवसर है, जो कर्म योग आधारित व्यक्तिगत विकास प्रभुत्व करने तथा अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार रहते हैं। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य व्यक्ति महेश अग्रवाल, महापौर विनोद अग्रवाल, विधायक रितेश गुप्ता, प्रिया अग्रवाल, पंचायत अध्यक्ष फाले सिंह आदि भारी संख्या में भक्तों ने सदगुरु का फूल फल आदि समर्पित करके पूजन किया। हमारे सनातन समाज में गुरु को भगवान से श्रेष्ठ माना गया है। गुरु ही हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं और समाज की कुरूतियों से दूर कर सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। कार्यक्रम को महाप्रसाद वितरण के साथ विराम कर दिया गया। इस मौके पर व्यवस्था में जुटे डॉक्टर विनीत गर्ग, मनु मल्होत्रा, सुशील कुमार वर्मा, पृथ्वीनाथ दीक्षित, निर्भयनाथ दीक्षित, श्रुति दीक्षित, विजयपाल सिंह बिश्नोई, अरविंद हरिओम, राम अवतार, राजीव बिश्नोई, राजपाल अरोरा, सीमा अरोरा, किशन पहावा, पीरू पहावा, देवांशु पहावा, मनीष डावर, जगतपाल सिंह, नितिन व्यास, मनोज गंभीर, पीएस गिल आदि का सहयोग रहा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या कहना चाहिए? गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे कोई राष्ट्र हो, तो अच्छे सदगुरु ही उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो गुरु की विशेषता होती है कि वो सब में सद्भाव रखते हैं, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रखते, धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं रखते, कोई आयु का भेदभाव नहीं रखते। तो ऐसे सदगुरु की बहुत आवश्यकता है कि हम लोग उनसे जुड़ें, है नहीं, सदगुरु से, और फिर समाज का अच्छा मार्गदर्शन करें।